सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने दावा किया है कि वोटिंग मशीनों से चुनावों में धांधली की जाती है। जानकारी के अनुसार एलन मस्क का कहना है कि राज्यों को केवल पेपर बैलेट का उपयोग करना चाहिए और वोटों को हाथ से गिनना चाहिए। एलन मस्क ने डोमिनियन वोटिंग मशीनों का हवाला देते हुए इन्हें रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हार से जोड़ा। एलन मस्क ने कहा कि ये मशीनें फिलाडेल्फिया और एरिजोना राज्यों में काम में ली जाती हैं, लेकिन अन्य कई राज्यों में नहीं। क्या यह केवल इत्तेफाक है? एलन मस्क ने जोर देकर कहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्हें हैक करना आसान है। हालांकि 2024 के चुनाव में केवल दो राज्य ही वोटिंग मशीन का प्रयोग करने जा रहे हैं। एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि इस वोटिंग मशीन को बनाने वाली कंपनी डोमिनियन ने भी इसका जवाब दिया है। कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि डोमिनियन फिलाडेल्फिया राज्य में सर्विसेज नहीं देती है। साथ ही डोमिनियन का वोटिंग सिस्टम पहले से ही वोटर द्वारा कंफर्म किए गए बैलेट पेपर पर आधारित है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 नवंबर को होना है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रत्याशी कमला हैरिस वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। एलन मस्क इन चुनावों में खुलकर ट्रंप के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। मस्क ने ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए उसकी पार्टी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $75 मिलियन का चंदा भी दिया है। इतना बड़ा राशि दान करने के बाद मस्क 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले अमेरिकी अरबपति बन गए हैं। Paper ballots hand counted. That's it. I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, it's in-person voting with ID, which, by the way, every country has. I mean. Like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively address fraud.